गाइज मैं आपको बताऊँ, जो मैंने पिछली वाली वीडियो बनाई थी 10th और 12th पास जॉब इन न्यूयॉर्क, उस पर इतना सारा आप लोगों का प्यार मिला, लगभग हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा और कई लोगों ने उसी पे कमेंट किए कि भाई आपने उसमें जितने भी जॉब बताए हैं जो कि हम 10th और 12th के बाद न्यूयॉर्क में कर सकते हैं वो सब तो ठीक है, बट उसमें से आपने जो मैक्सिमम जॉब बताए हैं वो आपने होटल और रेस्टोरेंट्स पर बताए हैं कि मैक्सिमम जो जॉब्स होते हैं वो होटल रेस्टोरेंट में आप कर सकते हो और उस पर कितनी सैलरी मिलती है। और मैं आपको पहले बता दूँ, इसके लिए आपको कोई वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं न्यूयॉर्क में वो पार्ट टाइम में अपने खर्चे निकालने के लिए, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट लोन पे गए होते हैं, कई लोग स्टूडेंट लोन पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनको अपना खर्चा निकालने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। ये जरूरी भी होता है, सारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो बता देता हूँ कौन कौन से काम आप कर सकते हो होटल रेस्टोरेंट में, उसके साथ मैं आपको सैलरी बता दूंगा और क्या क्या चीज़ें प्रोसेस होती है सारी चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहला है, आपको वेटर का काम कर सकते हो, जो कस्टमर्स को फूड सर्व करते हैं, अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, ऐसा वेटर का काम आपको पता ही होगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इस पर आपको $10 to $15 तक पर आवर मिल जाता है, टैक्स कट के $12 तक आपको मिल जाते हैं, ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ। सेकेंड है, क्लीनिंग का काम कर सकते हो, जो साफ सफाई का काम होता है, डिश वॉशर हो गया, कई सारे काम हो जाते हैं, टेबल वॉशिंग हो गई, कई सारी क्लीनिंग वर्क होती है होटल्स में रेस्टोरेंट्स में, तो ये काम आप कर सकते हो। एक और काम होता है सिक्योरिटी गार्ड का, बट ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है क्योंकि इसमें एक शिफ्ट होते हैं 8 hours to 12 hours तक आपको काम करने हैं, तो ये भी आप काम कर सकते हो अगर आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है तो, ठीक है। थर्ड जो होता है बेसिकली, आप किचन हेल्पर, जो किचन में चेफ होते हैं उनके साथ में रह करके कुछ काम, कुछ हेल्प करना, ये सारे छोटे मोटे काम आप कर सकते हो, $10 to $15 इसमें एवरेजली आपको मिल जाते हैं। देखो भाई, कई लोग ये काम छोटे मोटे लग रहे होंगे, बट स्टूडेंट्स जो अच्छी अच्छी पढ़ाई करते हैं वो भी ये काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसे अच्छे मिलते हैं और सैलरी भी काफ़ी अच्छी, सॉरी इनका खर्चा भी निकल जाता है, तो इसलिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप आराम से कर सकते हो। और स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे कमेंट किए थे मेरे पास, ठीक है। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, कोई डाउट हो कमेंट करो। स्टूडेंट वीजा के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं पिछली वाली, तो वो जाके आप देख सकते हो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।